हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो हो गया, इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह सब हो गया, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट 2024, आओ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स निकालें मेरे साथ। तो जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है कि हम डेली स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं अपनी साथ में वीडियो में, एंड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कोई भी स्टॉक में जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, मैं आपके साथ में स्टॉक स्कैनिंग करती हूँ। तो नए व्यूवर्स जो हमारे साथ डेली प्यारे प्यारे ऐड हो रहे हैं, उनको अगर नहीं पता है कि हम लोग कैसे करते हैं, तो आप एक बार पहले हमें स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो। अगर आपको पता ही नहीं कि हम कौन से स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं, तो एक बार आप अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो हमारी देख लो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, एंड हम ये शीट भी यूज़ करते हैं अपनी क्वांटिटी कैलकुलेशन एंड अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो आपको ये शीट अगर नहीं मिली है तो कमेंट करो, हम आपको ये आपके लिए ही बना के रखी है मैंने ये, तो हम आपको ये फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपनी, हम स्टॉक की स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, हम लास्ट में एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे कि क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या चल रहा है। मैं प्रिडिक्शन ही बोलती हूँ उसको, क्योंकि प्रिडिक्शन इज़ नॉट अ राइट वर्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, सो मैं उसको एनालिसिस बोलती हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो वन बाय वन आपको इस तरह देखते जाना है। देखो, अगर जब तक आपका ये बिग रेड कैंडल का हाई जो है ब्रेक नहीं हो जाता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, कभी भी ऐसा सिनारियो हो ना कि ऐसे बिग रेड बन जाए मार्केट में किसी वजह से, तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता है ना, और आप ट्राई करो कि आप उसका ट्रेड आप नहीं लो। लाइक यहाँ पे अगर छोटी सी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल मिल जाती ना, तो मैं उसको प्रेफरेबल सेटअप नहीं बोलती, क्योंकि सामने में ये बड़ा सा रेड बॉडी खड़ा हुआ है, राइट। तो मैं आपको दिखाऊंगी कोई स्टॉक में अगर दिखेगा तो कभी ऐसा सिनारियो हो तो उसका हाई ब्रेक जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप उसमें ट्रेड नहीं करो, ये सही नहीं रहेगा। उसका हाई ब्रेक होने के बाद फिर हमारा ये साइन है कि अब ये बुलिश हो चुका है, प्राइस जो है बुलिश हो चुका है, तो हम तब ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल आज मिल जाती, यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल मिल जाती इस, ओह मेरे ड्राइंग्स भी ना दो बार ख़राब हो गई है, वन सेकेंड मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अरे क्या हो रहा है ड्राइंग्स मेरी दो बार गड़बड़ आ गई। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर ऐसे ग्रीन कैंडल मिल जाती ना, तो हम फिर इसको ट्रेड नहीं करते, राइट, क्योंकि देखो आगे में यहाँ पे बिग रेड एकदम है, तो इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक हमारे लिए बुलिश नहीं होगा, बुलिशनेस हमारे लिए ये नहीं होगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा सिनारियो मार्केट में होना कि एक रेड कैंडल बन जाए, लाइक देखो यहाँ पे बना भी, अच्छा यहाँ पे तो अच्छी सी ग्रीन बनी भी नहीं है, तो अभी एक आध दिन मार्केट को सेटल होने दो। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये रेड के सामने ग्रीन बना है, बट यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर हमारा मूविंग एवरेज ये इस तरह से होता, ठीक है, समझ लो कि ये ऊपर जो है ये नहीं होके हमारा मूविंग एवरेज अगर इस तरह से होता, तो देखो बिग रेड के सामने एक ग्रीन बनी है हमारी, तो हम इसको ट्रेड नहीं करते। कब तक नहीं करते? जब तक कि इसका हाई ब्रेक नहीं कर ले प्राइस, मूव करते 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 इसका हाई ब्रेक कर जाए, देन उसके बाद जो हमारा सेटअप आएगा हम उस पर ट्रेड करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये नया कॉन्सेप्ट एक मैंने आपको सिखाया है। ये मेरा पहले का एक्सपीरियंस है, जब भी मार्केट में पहले भी इस तरह से बिग रेड बने हैं। यहाँ पे देखो, आदित्य बिरला फैशन में देखो, ये रेड जो रेड कैंडल है, ये बिग रेड कैंडल है, इसका हाई देखो ब्रेक हो चुका है, प्राइस ने बहुत अच्छे से इसका हाई ब्रेक कर दिया है, राइट। तो आज तो इस वाली कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल है, बट अब हम क्या करेंगे, अब इसमें अगर ट्रेड आएगा ना हमारा, प्राइस अगर मूव करते हुए यहाँ पे ऐसे मूव करते 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 मूविंग एवरेज हमारा इस तरह से आ जाए, एंड देन यहाँ पे फिर हमें एक ग्रीन कैंडल मिलती है, तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो प्रीवियस रेड थी, बिग रेड जो बनी थी, उसका जो हाई है वो ब्रेक हो चुका है, राइट। एक एग्जाम्पल दिख भी गया मुझे आपके सामने ही, तो ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आए ये बताओ। ये एक थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ये बता दूँ। ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आया फटाफट से बताओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। आदित्य बिरला फैशन में ही दिख गया ये एग्जाम्पल मुझे, तो अच्छा एक्सप्लेन हो गया आप लोगों के सामने। एंड ये बिग जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इस पर तो एंट्री एकदम नहीं करना है आप लोग को। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें देखो स्विंग भी नहीं है, फर्स्ट थिंग के यहाँ पे स्विंग नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो स्विंग नहीं है, प्लस देखो ये स्विंग भी नहीं है, प्लस ये इतना बड़ा कैंडल है कि हमारे रिस्क में ही नहीं बैठेगा, राइट। तो इसीलिए आपको वो नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको वन बाय वन इस तरह से आपको स्टॉक्स को देखते जाना है बस, ठीक है।
वन बाय वन आप इस तरह हम देखते जाएंगे आगे। आपको इसमें हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगने भी नहीं वाला है इसमें। देखो अब इसमें अशोक लीलैंड में भी इसका हाई जब तक यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, चाहे चल ही क्यों ना जाए, हमें ट्रेड चलने से मतलब नहीं है, हमें बेस्ट सेटअप लेने से मतलब है। तो ये इतनी बड़ी रेड के सामने ग्रीन बनने के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो ऑरोबिंदो फार्मा में यहाँ पे देखो ब्रेक हो गया है ये, तो आप इसमें देख सकते हो, अगर आपके डिस्क में बैठे तो आप देख सकते हो, बट प्रीवियस कैंडल का लो लोगे तो काफ़ी बड़ी कैंडल बन जाएगी, तो सेम कैंडल का लो लेके आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं इसका नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में आपको, ऑरोबिंदो फार्मा। डीमार्ट देखो आज एफएमसीजी तो काफ़ी अप था, तो डीमार्ट देखो अब अपसाइड जाने को रेडी है, बट जब तक वो ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। बजाज ऑटो में भी ग्रीन बना है आज, सो वन बाय वन अब आपको इस तरह देखो यहाँ पे भी, बट ये काफ़ी स्विंग भी नहीं है उतना अच्छा, एंड बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी बन गई है, तो ये आप नहीं देखोगे। बस मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ कि कब कौन से सिनारियो में आपको समझाना चाह रही थी, तो कितने लोगों को समझ में आया फटाफट से कमेंट करो। बाटा में भी देखो इतनी बड़ी ग्रीन रेड कैंडल के बाद काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, एंड प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक भी कर दिया है, तो अब हम इसमें ट्रेड देख सकते हैं। अगर इसमें ट्रेड आता है तो हम उसमें ट्रेड देख सकते हैं, राइट। BDL में तो देखो बहुत गैप डाउन के बाद कल सर्किट भी लगा था, आज गैप डाउन भी हो गया एंड रेड कैंडल बनी है वहाँ पे, तो रेड पे तो हम वैसे भी एंटर नहीं करते हैं जैसा आप लोगों को पता हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आया कंफर्म करो हमें कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से उसको ट्राई करूँगी आपको समझाने का, तो कमेंट करो आप लोग कितने लोगों को ये समझ में आया। चलो वन बाई वन हम देखते जाते हैं, अभी तक हमें एक स्टॉक मिला है बस। बहुत इजी होता है हमारा स्कैनिंग जो होता है, बहुत इजी होता है, आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, आपको हैबिट हो जाएगी ना, तो आपको हार्डली 10 मिनट्स लगने वाले हैं इसको करने में। तो ओके यहाँ पे देखो आज हमारा ट्रेड आ गया कोफोर्स में, जैसा हमने बात किया था एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो देखो आज अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई है, तो आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा दूर है मूविंग एवरेज से, तो अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो कोफोर्स में बाई का सेटअप एक अच्छा बना है आज। आगे चलते हैं, आज FMCG सेक्टर काफ़ी अप था, इसीलिए आपको FMCG के स्टॉक्स सारे ग्रीन में दिख रहे हैं। क्रॉम्पटन में देखो बहुत बड़ी कैंडल बन गई, प्लस सेम इसमें भी वो स्विंग नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नहीं देखेंगे। आपको स्विंग कैंडल एंड मूविंग एवरेज का प्राइस तीनों चीज़ पे आपको ध्यान देना है ट्रेड करने के टाइम पे, राइट। डिक्सॉन में देखो सेटअप काफ़ी बढ़िया है, बट अगेन ये बिग रेड का अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेटअप बढ़िया नहीं है, आगे बिग रेड है, मतलब सेटअप अच्छा है बट आगे बिग रेड है। स्कॉट्स में भी देखो इसी रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, इसी रेंज में प्राइस मूव कर रहा है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, साइडवेज पे हम नहीं ट्रेड करते हैं, स्विंग के साथ प्राइस आना चाहिए मूविंग एवरेज पे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बस अपनी स्ट्रेटजी में, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये क्लैरिटी तभी आएगी जब आप चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करोगे, इसलिए मैं कहती हूँ डोंट यूज़ स्क्रीनर। हमें अभी भी मेल आ रहे हैं डेली के स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं ऑल, तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगी डोंट यूज़ स्क्रीनर, आप इस तरह मैनुअल स्कैन करो डेली, क्योंकि मैं अभी तक मैनुअल स्कैन करती हूँ और आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है भी नहीं, तो इसीलिए आप अभी स्कैनर यूज़ मत करो, आप मैनुअली स्कैन करो, आपको मज़ा भी आने लगेगा चार्ट्स को देखने में, फिर आपको मज़ा भी आने लगेगा। तो डेली हम मेल का यही रिप्लाई करते हैं कि प्लीज़ डोंट यूज़ स्क्रीनर, आपके पास है तो भी आप यूज़ नहीं करो। तो इस तरह मैनुअली देखो आप निफ्टी 200 करने में आपको 10 मिनट्स लगेंगे, निफ्टी 500 करने में आपको हार्डली 20 मिनट्स हाफ एन आवर लगेंगे, तो जब आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आपको अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकालना चाहिए, राइट। देखो इंडिगो में काफ़ी घिचपिच टाइप का लग रहा है, तो वी डोंट ट्रेड, हमें क्लीन हमें सेटअप चाहिए, हमें अच्छे से स्विंग के साथ प्राइस जो है मूविंग एवरेज पर चाहिए, हमें घिचपिच वाला सेटअप नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत स्टॉक्स हैं यार ट्रेड करने के लिए, बहुत स्टॉक्स हैं, तो हम अपने सेटअप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कभी भी, इतना आपको याद रखना है। तो मैं इतना अकेले चिल्लाते रहती हूँ, आप लोग को कोई फ़ायदा भी हो रहा है या मैं बस ऐसे ही चिल्लाते रहती हूँ, तो आप लोग फीडबैक दो यार, आप लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है हमारे वीडियोज़ से। देखो महिंद्रा में तो आज दूरी बन गया, अगर यहीं पर ग्रीन कैंडल बन जाती मूविंग एवरेज के ऊपर तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप होता आज, बट दूर बन गया है। मेडिको में देखो यहाँ पे हमने ट्रेड कल देखा था, मैंने इसका नेम भी दिया था आपको, देखो इसमें मोर देन
1:1 आज अचीव हो चुका है, 1:2 तो नहीं हुआ है, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। नहीं, 1:2 नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है 1:2 होने में। तो मैरी को कल मैंने नाम भी दिया था डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना वहाँ से, कल की वीडियो में दिखाया भी था मैंने और नाम भी दिया था डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा परफॉर्म किया एक ही दिन में मैरी को। बट जब तक आपका टारगेट नहीं हो आपको सेल नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 3% 4% गेन हो गया तो आपको सेल कर देना है। जितना भी आपका इस शीट के हिसाब से, जो शीट है हमारी रिस्क मैनेजमेंट की, उसके हिसाब से जो भी आपका टारगेट वैल्यू है आपको उसी पे सेल करना है, राइट। तो ये रिपीटेडली बोल बोल के मैंने आई होप आपको लोग को याद करवा दिया ये चीज़ कि आप लोग को कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाई करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें मैं लास्ट 3 मंथ से मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ। जब से ये चैनल बना है मैं हर वीडियो में ये आप लोग को बोलती हूँ। बीडी लाइट देखो अब ये रेंज से बिल्कुल बाहर निकल चुका है, जो रेंज हमने मार्क करके रखा था, इससे देखो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल भी इसने क्रॉस कर दिया है बहुत अच्छे से। तो अब इसमें ट्रेड आएगा, अगर मान लो इसमें ट्रेड आता है इस तरह से, प्राइस मूव करते करते एंड मूविंग एवरेज भी कहीं पे यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो कभी भी रेंज बाउंड स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करते हैं, रेंज से बाहर निकल जाए तभी हम ट्रेड करते हैं। पॉलीकैब में भी देखो ग्रीन कैंडल है बट आगे भी रेड है, उसका हाई ब्रेक होने दो तब सेटअप आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है ट्रेड करने की। एंड जिस भी चार्ट पे बहुत सारे अपर विक्स एंड लोअर विक्स दिखे ना, उसको भी आपको इग्नोर करना है, उस चार्ट को भी आपको इग्नोर करना है। आपको साफ सुथरे कैंडल्स दिखें, ब्यूटीफुल कैंडल्स बन रहे हो, आपको उसमें ही ट्रेड सेटअप देखना है, ओके। बहुत ज़्यादा विक्स वाले को आपको इग्नोर करना है। मैं आपको कहीं पे देखो यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल कैंडल्स बन रहे हैं देखो, तो आपको इसी टाइप के चार्ट्स पे आपको अपना अपने आईज को कंफर्टेबल आपको करना है कि इस टाइप के चार्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन से अच्छे चार्ट्स हैं। ये धीरे धीरे ही होगा, शुरू शुरू में मुझे भी नहीं समझ में आता था, अब मुझे डिफरेंस समझ में आता है क्योंकि मैं लगातार मैनुअल स्कैनिंग कर रही हूँ इतने सालों से। मैंने एक बार भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ स्क्रीनर यूज़ नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कुछ दिन यूज़ किया स्क्रीनर, बट फिर मुझे समझ में आ गया कि स्क्रीनर यूज़ करके टाइम बिल्कुल बचता है मेरा, बट मुझे उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्लैरिटी जो मुझे चार्ट्स पे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने उस दिन के बाद से स्क्रीनर यूज़ करना एकदम छोड़ दिया। मैंने स्टार्टिंग में 6 मंथ यूज़ किया होगा, उसके बाद से स्क्रीनर यूज़ करना मैंने छोड़ दिया। मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है स्क्रीनर, जो लेके मैंने रखा हुआ था अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, बट मैं उसको खोल के अब यूज़ ही नहीं करती हूँ। ये देखो इसमें कितने विक्स आपको दिख रहे हैं, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे विक्स आपको दिख रहे हैं, इससे भी कचरा चार्ट आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। जिसमें ब्यूटीफुल आपको कैंडल्स बनते हुए दिखे ना आपको उसमें ही ट्रेड करना है। इसमें देखो कैंडल्स कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, राइट। तो ये डिफरेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप मैनुअल स्कैन करोगे, तो बेटर है कि हाफ एन आवर आप अपने बिजी शेड्यूल में से निकालो एंड स्टॉक स्कैनिंग करो अपने से, ताकि आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, राइट। यहाँ पे देखो आज बना है हमारा ग्रीन कैंडल जो हम वेट कर रहे थे इतने दिन से जाइडस में, एंड बट हमारा मूविंग एवरेज जो है वो फ्लैट हो चुका है, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें हमारा सेटअप है नहीं, मूविंग एवरेज हमारा फ्लैट हो चुका है। तो आज के लिए हमें एक ही मिला और विंडो फार्मा नहीं, दो मिला है, कोफोर्स मिला है। चलो निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार हम देख लेते हैं क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। सो देखो निफ्टी ने ये बिग रेड का कैंडल बनाया था कल, वॉल्यूम्स मैं डिलीट करती हूँ। उसके बाद देखो आज ये जो हमने बात किया था कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली थी, ये जो ग्रे वाला मार्क एरिया है इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिली थी, तो आज देखो कितना ये ब्यूटीफुल होता है ये जोन्स जो होते हैं। देखो इसी जगह से निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया, इसी जगह से निफ्टी ने सपोर्ट लिया, दिख रहा है आप लोग को विक दिख रहा है, लोअर विक दिख रहा है, एंड देन एक ग्रीन कैंडल बन गई अच्छी सी, एंड फिर निफ्टी इसी चैनल के अंदर चला गया है। तो अभी कुछ भी बाई एंड सेल जैसा सिनारियो बन ही नहीं रहा है निफ्टी में, अभी वेट एंड वॉच है टोटली, तो देखते हैं क्या होता है। बट ये जोन्स कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप सोचो, इसी जगह से देखो एकदम सपोर्ट लिया है, ये जोन्स मार्क करना आपको भी आ जाएगा, आप चार्ट रीड जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना उतना आपको ये जोन्स मार्क करना समझ में आएगा। आपको दिख रहा है मल्टीपल टाइम्स इसी जगह से प्राइस जो है ऊपर गया है, तो इसीलिए ये जोन मार्क करके रख दिया मैंने, तो उसका देखो कितना इंपॉर्टेंस होता है। एंड बैंक निफ्टी में भी देखो इसी ब्लू लाइन से ही बैंक निफ्टी ने भी आज देखो सपोर्ट लिया है, एंड फिर से ये इसी चैनल के अंदर चला गया है, जो हमारा ये चैनल है मैं दिखा रही हूँ आपको, जिस चैनल को फॉलो कर रहा था ये इसी चैनल के अंदर फिर से चला गया है, राइट। तो इसमें भी कुछ अभी करने जैसा बन नहीं रहा है, वेट एंड वॉच ही कंडीशन है, इसमें भी वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन है अभी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ भी एंटर करने लायक है नहीं, सो डन फॉर द डे। अगर आपको ये शीट नहीं मिली है तो कमेंट करो, कोई भी
कोई भी तरह का डाउट हो तो वो भी कमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट की शीट नहीं मिली है तो कमेंट करो, क्योंकि हमें पता है कि ये शीट अभी आप लोग में से बहुत लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग कमेंट करो, हम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वो भी कमेंट करो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।